अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर ये बिंदावत पर हूँ उसामा भाई के पास। तो उसामा भाई मुझे बता रहे थे कि इनके पास काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। उसामा भाई के पास से वो कुछ शेफ एंड डिश हैं और बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स आई हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसामा भाई आप मुझे बताइए ये शेफ एंड डिश के बारे में। ये वाले जी, ये है साइज मिल जाएंगे आपको। साइज मिल चार अच्छा। साइज आते हैं इसके। अच्छा। वन से लेकर फोर तक, ठीक है। और ये घरेलू साइज भी मिल जाएंगे इसमें, जैसे छोटे इसके नीचे बर्नर भी है। ये बर्नर के साथ है, नीचे दिखाइए ये बर्नर है। अच्छा, ये रख सकते हैं। और इसमें ये है कि अंदर डबल बॉल दिया हुआ है। अच्छा, अंदर एक और बॉल दिया हुआ डबल, ठीक है, सही। ये एसएस स्टील में, ये एसएस में प्योर एसएस। अच्छा, तो इसके आपने पता है कितने साइज हैं? इसमें चार साइज है, ये मीडियम छोटे से लेकर ये अच्छा, वो जो सामने बड़े हैं, अच्छा, घरेलू साइज है। अच्छा, इसमें साइज सारे बड़े भी मिल जाएंगे जो कमर्शियल में इस्तेमाल होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में, मतलब बड़ी पार्टीज के लिए भी होता है। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? ये पड़ेगी 5200 की। अच्छा, ठीक है। अब इससे छोटा जो साइज है 1000 का फर्क होगा। अच्छा, ये इससे ये पड़े हैं आपके पास। अच्छा, ठीक है, ठीक सही, ठीक है। उसामा भाई जी, मुझे इनके बारे में बताइए ये वाली। अच्छा, ये है फुल ओपन हो जाता। अच्छा, ये भी मतलब कढ़ाई वगैरह के लिए, राइस वगैरह के लिए ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, ठीक। इसमें भी साइज है कि नहीं? इसमें एक ही साइज आता है, इसमें एक ही, मतलब साइज एक ही होता है, ठीक है। उसके साथ ये वाली इसके अंदर जो है, इसमें भी तीन साइज आता है। ये अगर ओपन करके दिखाइए ऊपर। अच्छा, इस तरह से, ठीक है, सही। इसका जो कवर है पूरा बंद भी हो जाता है, बंद करके दिखाना उसमें। ये इस तरह से वो अपना आइस वगैरह के लिए बाल रोकता है, मीठा वगैरह। अच्छा, उसके लिए आइस के लिए नीचे इसका पार्टीशन है। इसमें भी बर्नर दिया हुआ है? इसमें भी बर्नर दिया हुआ है, तकरीबन सारे बर्नर डिश है। अच्छा, ठीक है। जितनी भी है ना, ये बर्नर वाली है। ये भी वही है? अलग वही है, ये कमर्शियल यूज के लिए होती है। इसके क्या प्राइस वगैरह में ही होती है? ये 8500 रुपये। अच्छा, है प्योर एसएस, ठीक। अच्छा, ये जो बड़ी है ना, तकरीबन पड़ती है 5500 रुपये की, ठीक है, सही। अब इसके अंदर ये आती है स्क्वायर में, ठीक है। अभी इसमें भी दो तरह की आती है, ये साइज आता है और एक ही वाला साइज आता है, ठीक है। इसमें भी नीचे मेरे यहाँ बर्नर सब सब में है ना, ठीक सही, सब में बर्नर। अच्छा, इसमें भी साइज है या सिर्फ दो ही? नहीं, इसमें साइज एक ही साइज आता है, इसमें सिर्फ ना छोटा आता है ना बड़ा आता है। और इनकी प्राइस? ये तकरीबन पड़ती है 8500। और वाली? ये वाली पड़ती है 13000 रुपये की, ठीक है। और नीचे? अच्छा, ये इसका साइज है जो आपको मैंने ये वाली दिखाई ना, इसका साइज है ये, इसका ना। अच्छा, इसका साइज है, ठीक है। अच्छा, ये भी साइज ही है, ठीक है, सही। सबसे पहले जो दिखाई उनके साइज है, ये मुझे आपने पहले दिखा दी। हाँ, अब ये वाली भी है स्टोर में। अच्छा, ये भी डबल डिश होती है, डबल डिश, ठीक है, और ऐसे ठीक है। इसमें एक भी मैग्नेट वाली। और ये वाली? ये शीशे वाली, इसका टॉप ऊपर हैंग हो जाता है। अच्छा, ये ग्लास का ऊपर बूट होती है, ठीक है, रख के दिखाना, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, सब ठीक है, जैसे हैंग हो ना। अच्छा, ये पीछे हैंग हो जाते हैं, ये स्टैंड दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी साइज, इसके साइज आते हैं, चार साइज आते हैं इसमें। अच्छा, ये मीडियम है या? ये मीडियम है, ये स्मॉल साइज है, इससे बड़े दो साइज आते हैं। दो साइज आते हैं। अब ये है, ये बगैर बर्नर वाले होते हैं, ये मतलब कैंडल वगैरह के लिए, कैंडल वगैरह यूज होता है इसके अंदर, तो इसमें एक साइज आता है, ठीक है। अभी इसमें कैंडल वाली में चार साइज आते हैं, ठीक है। अब छोटा जो सिंगल पर्सन के लिए होता है वो ये साइज होता है, ये वाले साइज। हाँ, ठीक है, सही। फिर इसमें 6%, 8% उसके हिसाब से, तो इनके क्या अंदाजन प्राइस होंगे? ये वाला तकरीबन छोटा वाला पड़ता है 4200। अच्छा, ये 5000 की पड़ती है, इससे जो बड़ी है ना वो थोड़ी कॉस्टली, ठीक है। अच्छा, मुझे इनके पैसे बता दीजिए, ये वाले जो, ये वाले जो है 3200 की है, 3200 इसकी बड़ी 3200 की है, ये 29 की है, ठीक है। अब ये वाला जो साइज है 24 का है, ये मुझे दिखाइए ज़रा पकड़ के, छोटी वाली, ये छोटी वाली ताकि पता चल जाए। और सबसे छोटी वाली इसकी 2000 की है। अच्छा, ये वाली ना। हाँ। अच्छा, इसमें भी वो क्या कहते हैं, कैंडल यूज होती है? अच्छा, कैंडल यूज होती है, ये रही ना, ये दी बीच में दिए हुए। अच्छा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगी इसकी, नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये ऊपर हैंग हो सकते हैं ऑटोमेटिकली जी। चलें, ठीक है, सही, ठीक है, रख। उसके अलावा आपके पास? इसके अलावा भी ये के वाली पहले वीडियो में भी दिखाई थी। अच्छा, ये दिखाई, डिमांड बहुत है। हाँ, ये तो मैंने देखा था, बहुत सारे कस्टमर पसंद भी किए। अच्छा, बहुत है, ये रिवॉल्विंग होती है, रिवॉल्विंग होती है, रिवॉल्व होती है। अच्छा,
ये मेज पे आप कहीं भी रख सकते हैं, पार्टीशन अलग अलग है दिखाइए। अच्छा ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे हम दिखाएंगे ये। नहीं इसमें ये है कि बस ये जो होता है ना इसका बॉल अंदर चले जाएंगे। और इसमें गर्म करने का क्या हिसाब किताब? वही बर्नर दिया हुआ इसमें भी। दिखाएंगे कैसे कहाँ दिया हुआ? वो कैसे लगेगा अंदर? अच्छा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आप होगा ठीक है, आप होने के बाद तो ये नीचे से आ जाएगा। सही ठीक है, ठीक है सही। तो ये वॉल्विंग है। अच्छा स्वामी ये मतलब घर में इस्तेमाल होने के लिए कमर्शियल है ये? घरों में इस्तेमाल होता है। अच्छा घरों में मतलब डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रख दिया। अच्छा ठीक है सही। लेकिन ये है भी बहुत खूबसूरत है ना ये? ये बहुत अच्छी, हाँ ये बहुत खूबसूरत। इसमें मीठा रख लें या नमकीन रख लें कुछ भी, एक ही एक ही जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी। हाँ ये दिखाइए, ये है कि कोई बड़ा आइटम होता है ना जैसे हाँ बकरा वगैरह हो गया। अच्छा अच्छा मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त है सामा भाई। ये तो इसके नीचे भी कोई दिया बर्नर है? अच्छा और वो उसमें मटन पूरी इसमें आ जाएगा? अच्छा मटन के लिए होता है, मटन में नहीं होता। मटन में मतलब बड़ी दावत है तो उसमें ये कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा सामा भी क्या है? ये चाय वगैरह के लिए घर अच्छा। में पार्टीज वगैरह होती है ना उसके लिए होता है। ये भी ठंडा गर्म करने वाला है, मतलब इसमें भी बर्नर लगता है नीचे। हाँ कोलम वाला या कोई भी लग सकता है? कोयला भी रख सकते हैं और आप जैसे कि जैसे भी स्प्रेड वगैरह जलाते हैं ना तो वो भी चल सकते हैं। ठीक है ये चीज़ अच्छी, जैसे वो क्या कहते हैं शादियों में चाय वगैरह का घरों में कश्मीरी चाय बनाते हैं तो उसमें कावा वगैरह जो सर्व करना चाहे। अच्छा ठीक है ये छोटी शेफन डिश है, ये है चरगा डिश। अच्छा चरगा डिश है, राइस वगैरह आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा। चरगा वगैरह हो गया सही इस तरह का तो एकदम। अच्छा ठीक है। अच्छा सो इसके क्या प्राइस है? और ये सामने ये टंकी है 2400 की और ये टंकी और ये तकरीबन प्रति 11000 की। मटेरियल इसका हैवी मटेरियल ठीक है। अच्छा इसके प्राइस नहीं बताया आपने, ये बड़ी वाली जो चरगा क्या सॉरी ये तकरीबन 16000 की पड़ेगी। अच्छा ठीक पर है हैवी, एक बंदा उठा नहीं सकता। अच्छा हैवी है ये बड़ी दावत के लिए, बड़ी दावत के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये देखें ये कूलर भी होता है, ये भी नया आया ना ये हमारे पास। ये तीन साइज आया इसमें। अच्छा ज़्यादातर डिमांड कस्टमर की होती है। अच्छा। कि इसमें 5 लीटर होता है, 10 लीटर होता है, 25 लीटर होता है। अच्छा ठीक है सही है। उसके साथ ये क्या पड़े हुए? ये लंच बॉक्स है ना बड़े वाले, ये बड़े कमर्शियल टाइप के कह सकते हैं आप इसको। अच्छा मतलब इसमें कितने बॉल होते हैं? ये इसमें ये 4 वाले, अच्छा ये 5 वाले और ये 4 वाले का मतलब ये ऐसे स्टील में प्योर एसएस है। इसके जो छोटे आते हैं ना वो ये रहे। अच्छा एक मुझे दिखाइए जरा। अच्छा ये वाला जो है ना ये गर्म नहीं होगा बाहर से, दिखा दो उसे। अच्छा ये डबल बॉल है, एक ही टेबल खोल के दिखा दो। ये डबल होता गर्म, ये बाहर से गर्म नहीं होता, बाहर से। अच्छा अंदर इसके अंदर स्पेस है ना? अंदर स्पेस। अच्छा ठीक है चीज़ है सही। ये डबल बॉल है, डबल बॉल है ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। ये कितने बॉल है इसके? इसमें ये 3 बॉल दिया हुआ है। अच्छा सालन वगैरह के लिए और ये है सलाद वगैरह के लिए। इसकी क्या प्राइस है? ये 2400 का, वो वाले जो है ना 600 ठीक है, ये 700 का। अच्छा ये वाला 850 का, ये 950 का। अच्छा ठीक है। अब ये छोटी कैरा होती है उसामा भाई, ये आपके पास क्या चीज़ें हैं? छोटे साइज की केटल, केटल्स हैं। अच्छा ये ऊपर हैंडल वुडन है ना? हाँ हैंडल अच्छा। वुड है और उसके साथ एक कवर भी जो है ना ये अटैच किया हुआ है। दिखाई अच्छा वो ठीक है सही। अच्छा साइजेज आते हैं, साइजेज आते हैं ये 1% के लिए, 2% मतलब इस तरह से। इसमें हम लोग कुछ भी गर्म चीज़ जो है ना गर्म कर भी लें और सर्विंग भी कर, सर्विंग भी कर सकते हैं। ये भी यार खोल के दिखाइए। अच्छा ठीक है सही, ठीक सही। अच्छा सोमो भाई मुझे इनके पैसे बताइए। 400 अच्छा 600 फिर इसमें 150 का फ़र्क होगा, फिर इसमें 200 का फ़र्क होगा सही, इसमें भी 200 का फ़र्क होगा ठीक, इसमें 500 का फ़र्क होगा ठीक सही। मतलब इस तरह से
अच्छा सामा भाई, मैं ना आपका थोड़ा सा बैनर दिखा दूँ, ठीक है? ये सामने ये देखें, ठीक है? ये बिन दाऊद है, सिटी शॉपिंग मॉल के अंदर, गुल प्लाजा के सामने पीछे है ना, ठीक है? अच्छा उसामा भाई, ये तो मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी हुआ है ना, इनके बारे में थोड़ा मुझे प्लीज़ बताइए पहले। अच्छा ये वाले इसमें साइजेज आते हैं, सिंगल पर्सन, टू पर्सन, मतलब इस तरह से आता है, 1 kg, 1/2 kg, 2 kg, अच्छा इवन के 3 kg तक, ठीक है सही। इसमें साइजेज है सारे, इसके सर्विंग स्पून भी मिल जाएंगे आपको छोटे वाले। अच्छा सही, सर्विंग स्पून सही है। ये इसका टोंग है, सेकेंड टोंग है, मतलब कबाब वगैरह उठा लिया आपने। ये स्टील है या एसएस से प्योर? अच्छा प्योर एसएस में है। अच्छा मुझे ये छोटी वाली दिखाई, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, और ये हैवी भी है ना ये? हाँ हैवी है, हैवी है, अच्छा क्वालिटी हैवी है, ये देखो ना। अच्छा प्योर एसएस है, इसमें साइज है। अच्छा इसमें इन्होंने ये क्या किया हुआ? ये मठा रहेंगे, डिज़ाइन होगा, इसमें डिज़ाइन वाले आइटम का पहले आती थी वो तांबे के अंदर ना, जैसे ये वाली है, जैसे तांबे में मिल जाएगी। अच्छा सही, तांबे का भी सारा आइटम मिल जाएगा। सही ठीक है। कस्टमर बोलते हैं ना फुल कॉपर, अब फुल कॉपर इसलिए ये लोग नहीं है, उसके पॉलिश का इशू होता है, पॉलिश का इशू इसलिए होता है कि आप अंदर फिर बना नहीं सकते, बना नहीं सकते। अब ये बनाने के लिए होता है, आप सालन वगैरह बनाना है ना तो अंदर स्टील ही होता, अंदर स्टील होता है। अंदर कॉपर करवा देंगे तो आप पका नहीं सकते, वो खाली सर्विंग दे सकते हैं आप इसमें। अच्छा ये पूरा सेट है ये वाला जो है? हाँ, ये 5 का है और लूज भी मिल जाएगा, लूज में मिल जाएगा, कस्टमर को एक पीस चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा ये मुझे दिखाइए ये वाले, ये वाला बड़ा साइज है। अच्छा ये बड़ा साइज है। अच्छा इसमें 1 kg बन सकते हैं? 2 kg का साइज, 2 kg का साइज है। अच्छा मुझे ये अलग अलग भी बता दें, ये वाली और 700। अच्छा ये वाली पड़ती है 850। अच्छा ये वाली पड़ती है 1050। ये 1500, ठीक है, और 1800, ठीक है। अच्छा अगर कॉपर में आ जाए हम लोग तो इसमें भी ग्लास है, ये छोटे, ये छोटे बर्तन है, बहुत खूबसूरत ग्लास। अच्छा ये हैवी हैवी मटेरियल है। अच्छा ये प्योर कॉपर है? प्योर कॉपर होगा। अच्छा ये छोटी कलर जो कॉपर होता है ना वो फिर ये कलर कॉपर होता है। अच्छा ये कलर आपको नज़र आ जाएगा कि ये कलर वाला कॉपर, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है प्योर कॉपर है, तो फिर डबल कोटिंग के अंदर है स्टील और क्या है। ये देखें आप लोगों को थाली बनानी है, अच्छा ये थाली भी बना सकते, थाली भी बना सकते, मतलब तीन आपकी ये। अच्छा ये छोटी भी दी हुई है, हाँ छोटी भी दी है, सॉस वगैरह, ये सॉस दाल वगैरह छोटा कुछ भी डालना हो। अच्छा ठीक है, इस तरह सही ठीक है। अच्छा ये सेट में भी मिल सकते हैं हमें? कस्टमर को सहूलत, लेकिन ये इसका वजन भी अच्छा है क्योंकि डबल कोटिंग मेरे ख्याल में तांबे और उसकी स्टील की क्वालिटी। अच्छा ठीक है, बहुत चल रही है इसकी डिमांड, बहुत है डिमांड, बहुत है। अगर तो कोई सेट लेना चाहे तो उसके क्या पैसे होंगे? तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये 8 पीस का सेट तकरीबन पड़ता है 18,500। अगर लूज में ये कढ़ाई लेनी है, लूज में ये सिंगल साइज है ना, ये 3 kg का, 3 kg का, ये 6,500 की। अच्छा ये 5,500 की, ठीक है। और ये छोटी वाली, ये वाली जो छोटी है 35 की पड़ती है, ये वाली 2,000 की पड़ती है, ठीक है सही। अब इसके अंदर एक गिलास ले लें 1,800 का, ठीक है सही। अब इसमें एक सिंगल आपको ये कटोरिया 6 लेनी है, अच्छा तो ये मिल जाएगी आपको 700 की पड़ेगी, ठीक है सही। 700, 450, ठीक ये 1,800, ये थाल छोटा वाला, ठीक है। ये बाहर से भी वो कॉपर है, दिखाइए बाहर से कॉपर है, पूरा अच्छा कॉपर किया हुआ है। अच्छा ठीक है सही सही। इसके अंदर ये वाला स्पून भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये स्टील का, ठीक है सही। सामा भी आपके पास ये मजीद और कुछ पड़ी हुई है? ये अभी आई है ग्लास टॉप में। अच्छा ग्लास टॉप में, ये भी 6 पीस का सेट है? हाँ ये 6 पीस का सेट है, लूज मिल जाएगा। अच्छा लूज मिल जाएगा, ये मुझे एक दो खोल के दिखाई दे। देखिए आजकल शीशे के ढक्कन में, ये मतलब पाकिस्तानी है बाहर की? हाँ ये एक्सपोर्ट होती है, हमारे वतन अजीज़ की है ये। अच्छा ठीक है, तो हमारे वतन अजीज़ के आइटम बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये, देख रहे हैं ना, मैंने खुद ये देखा, बहुत प्यारा है। और ये दिखाने वाला होना चाहिए, हाँ दिखाने वाला होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए, बेचने वाला होना चाहिए। अच्छा ये वाली सामान मुझे दिखाई दे रहा है, 5 नंबर चाहिए। अच्छा 1 kg तक, इसका वज़न भी मेरे ख्याल में हैवी है, हाँ ठीक है सही। तो अगर तो ये अलग अलग भी ले सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी, ठीक है। 700 से स्टार्ट है। अच्छा 700, 850, 950, अच्छा 1050, सही 1250 और 1550, ठीक है सही।